लिए चल रहे हैं आपको भोपाल, जहां पर महंगाई के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन पर ये पानी की बौछारों की तस्वीर आप देख रहे हैं। महंगाई पर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन है, तस्वीरें सीधे भोपाल की हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शनकारी बैरिकेड लांग कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। पुलिस वहां पर लोगों को रोकती हुई और इन सब के बीच आइए आपको सुनाते हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन में क्या कहा जा रहा है नारेबाजी। नारों की आवाज बहुत नहीं आ रही है क्योंकि वाटर कैनन्स वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पानी की बौछार। और देखिए ये एक एक करके कुछ प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ गिरते हुए, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है सरकार, बैरिकेडिंग की गई है और कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन है, महंगाई के खिलाफ उनका विरोध है और इसीलिए आज कांग्रेस के प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। ये तस्वीरें आप उसकी देख रहे हैं, बैरिकेडिंग के लेयर्स देखिए, कई स्तर पर 3-4 लाइन की बैरिकेडिंग वहां पर। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, परिस्थिति सामने टीवी पर है, हमारे दर्शक देख रहे हैं, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है महंगाई के मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा प्रदर्शन था और कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी थी कि पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो जुटेंगे। पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, इनके समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले उन्होंने संबोधित किया और इसके बाद बेरोजगारी, महंगाई और खास तौर से मध्य प्रदेश में जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं और जिनमें लगातार धांधलियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर के यूथ कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन बुलाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास खुद आज भोपाल में मौजूद थे और लगभग ये तय माना जा रहा था कि ये प्रदर्शन उग्र रहेगा। कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी थी कि वो यहाँ से आगे बढ़ेगी, कांग्रेस कार्यालय से व्यापम चौराहे पे जाकर के वो घेराव करेगी व्यापम ऑफिस का। लेकिन पुलिस ने कई स्तर पर जो बैरिकेटिंग है उसे यहाँ पे तैनात रखा था क्योंकि ये लिंक रोड है भोपाल की और यहाँ से यातायात बहुत ज्यादा निकलता है, लेकिन प्रदर्शन को देखते हुए उसे बंद किया गया था। और अगर आप तस्वीरों में देखिए तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो व्यापम ऑफिस की तरफ जब बढ़ रहे थे तो उस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उन्हें रोकने के लिए और कई बैरिकेटिंग को उन्होंने तोड़ा भी है। उसके बाद पुलिस के साथ उसकी झड़प जो है उसकी तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ महीनों पहले जो यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें कई कार्यकर्ता जो है घायल हुए थे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, उसमें भी बीवी श्रीनिवास खुद मौजूद थे उस समय भोपाल में, उसी की तस्वीरें जो है आज एक बार फिर से ताजा हुई है। कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार घेरेगी और इसमें तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में धांधलियां। सरकारी पदों पर लंबे समय से भर्तियां नहीं होती है, यदि भर्तियां होती है, परीक्षाएं होती है तो उनमें धांधली की वजह से उन्हें रद्द करना पड़ता है। हाल ही में 2 ऐसी परीक्षाएं सामने आ चुकी हैं और इसीलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने आगे बड़ा प्रदर्शन किया था जिसमें आप देखें तो ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं अभी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हुजूम है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में माना जाता है कि गुटों गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। लगातार कांग्रेस पे ये आरोप लगता है कि जितने बड़े नेता है सबका अपना अपना गुट है। कमलनाथ का अपना गुट है, जब सिंधिया कांग्रेस में होते तो उनका अपना गुट बताया जाता था और दिग्विजय सिंह का अपना गुट बताया जाता है, अरुण यादव अपने गुट से, तो इस तरीके से अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, बार बार ये आरोप लगता है। लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस बार बार अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाती है। पिछले महीनों जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद ये आज एक बड़ा प्रदर्शन है। इसके जरिए कांग्रेस ने बताया है कि भले ही उस पर कितने आरोप लगे लेकिन जब सरकार से टकराने की बारी आती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं और इसीलिए आज इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने अपनी ताकत को बताया है कि भले ही उन पर ये आरोप लगे लेकिन आज जब महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में जो धांधलियां हो रही है, जो गड़बड़ियां सामने आ रही है, उसको लेकर सरकार से यदि घेरना है तो एकजुट होना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, सभी ने सोशल मीडिया के जरिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था, अनुरोध किया था कि वो आज बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे और इसी को देखते हुए भोपाल में आज सुबह से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पुलिस की तरफ से किए गए थे। सभी सड़कें जो कांग्रेस कार्यालय की तरफ जा रही थी उन्हें आज बंद कर दिया गया था।
लेकिन हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और जैसे ही जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है उनका संबोधन खत्म हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ना शुरू किया। पुलिस ने पहले चेतावनी दी क्योंकि तीन स्तरों पर बैरिकेड लगे हुए थे, जब इन बैरिकेड को चढ़ करके पार करने की कोशिश की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तब पुलिस से बल प्रयोग किया है। बल प्रयोग की तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं, अफरा तफरी बिल्कुल वहां पे मची हुई है भोपाल लिंक रोड पे। अब यहां से पुलिस जो है कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है इनको अस्थायी जेल की तरफ ले जा रही है। कई सारी बसों को यहां पे पुलिस ने पहले से ही रिजर्व किया हुआ था, यहां पर इन बसों में भर के जो प्रदर्शनकारी है उन्हें अस्थायी जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में पिछले साल कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा हुई थी लंबे समय के बाद, लेकिन उसमें धांधलियों की शिकायत आई, सरकार ने जांच कराई तो वो शिकायतें सही पाई गई, जिसके बाद उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश में MPTET की परीक्षा हुई, लेकिन उसका भी एक कथित स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, जिसके बाद आरोप लगे कि ये परीक्षा जो है ये लीक हो गया है, इसका पेपर लीक हो गया है। इसके बाद सरकार अब इसमें भी जांच कर रही है। तो मध्य प्रदेश में लगातार जो भर्ती परीक्षाएं भी सवालों के घेरे में आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये आज एक बड़ा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस मध्य प्रदेश में चाहती है कि 15 सालों के बाद जो 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे सत्ता मिली थी वो महज 15 महीनों में ही उसके हाथ से निकल गई। अब कांग्रेस जानती है कि यदि 2023 में यानी अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें उसने पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी और वापसी नहीं की तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य जो है वो बेहद ज्यादा खराब हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मारपीट की गई है, वाटर कैनन यूज किया गया है, ये मध्य प्रदेश की युवाओं की आवाज दबाना चाहती है सरकार, इसको लेकर आज हमारे युवा साथियों ने संकनाद किया है। मध्य प्रदेश में 23 में सरकार बनाएंगे और सरकार युवा की मदद करने वाली सरकार बनाएंगे। ये सरकार पूर्णतः गुंडागर्दी दबागिरी कर रही है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के बेरोजगार को रोजगार को बेचने वाले, व्यापम करने वाले, आदिवासियों पे अत्याचार, किसान के फसलों के दाम नहीं देने वाले जो किसान विरोधी नौजवान विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ संकनाद किया है। पूरा स्पष्ट है, या तो इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दो, किसान को फसलों के दाम दो, नहीं तो कि ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार के गद्दी छोड़ो। इसके खिलाफ युवाओं का संकनाद है और जिस बर्बरता के साथ ये व्यवहार करते हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं, नौजवानों की आवाज है, ये लाठी आंसू गैस के गोलों से डरने वाले नहीं, ये राहुल गांधी की सेना।